स्टूडेंट अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग करते हैं कि जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती हैं उनमें से हम जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं यहाँ पर उसको हम अलग कर लेते हैं, जिसको हम रेंज का नाम देते हैं। अब रेंज क्या होगी, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, यानी सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को निकाल दिया जाता है। नंबर टू, हमारे पास का जो नंबर ऑफ जो ग्रुप्स हैं वो मैंने डिसाइड करने होंगे, जिसको हम के नाम से याद करेंगे, ठीक है। नंबर थ्री में हम जाकर इसके साइज ऑफ क्लास इंटरवल को लेंगे, जिसको हम स्मॉल एच के नाम से याद करेंगे। उसके बाद इन ऑब्जर्वेशन को हम टैली मार्क्स के जरिए या सिंगल बार के जरिए, वर्टिकल बार के जरिए उस कॉलम में लिखेंगे, और आखिर में इन तमाम ऑब्जर्वेशन को जो टैली मार्क्स के जरिए आई है उनको काउंट करके जो है वो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। आइए अब जरा इसको लिटरली पढ़ लेते हैं। असल कंस्ट्रक्शन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, सेकेंड टाइप है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें क्या दिखा रहा है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा अब हम यहाँ बात करेंगे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें नंबर वन मैंने जैसे आपको बोला था, बड़ी हम रेंज लेते हैं, और रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम को आप निकाल देंगे, वो क्या चीज़ है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। नंबर टू पे हम डिसाइड करेंगे अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स, के कितने ग्रुप्स उसके बन सकते हैं, ठीक है, और उस ग्रुप्स के लिए हम एक नोटेशन यूज करेंगे स्मॉल के तौर पर, ठीक है, डिनोटेड बाय के, इनटू व्हिच द डेटा इज टू बी क्लासिफाइड, ये डिपेंड्स अपॉन द रेंज, कि हमने देखना है कि कितने ग्रुप्स में, 4, 5, 6, 7 ग्रुप्स में उसको हमने डिवाइड करना होगा। तीसरी चीज होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि डिटरमिन द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जिसको हम स्मॉल एज के साथ यूज करते हैं, और यूजली इट कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला, ये एज जो है ये आ जाएगा बेटे रेंज डिवाइडेड बाय के, मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को जब हम नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। सेम उसी तरह हम ऑब्जर्वेशन जो हैं उनको रिकॉर्ड करके टैली मार्क्स के जरिए, वर्टिकल बार के जरिए नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे, और फिर लास्ट स्टेप में हम काउंट करेंगे इन टैली मार्क्स को, और इसको जाकर फ्रीक्वेंसी के कॉलम में एडजस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सेकंड जो टेक्निक है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो आपने देख ली है। अब इसके साथ जो है कुछ क्वेश्चन इससे रिलेवेंट इंशाल्लाह मैं आपको 100 वीडियोज के जरिए आपको बता दूंगा। अब ये वो चीज़ें स्टूडेंट इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं लगाया जा सकता कि आप सेवन्थ और एट्थ के लिए एक पूरा चैप्टर इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग या क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जो है वो पढ़ के आएंगे, और उसमें ये चीज़ें आपने लर्न भी की, इसको ज़रा और स्पेशल तरीके से ज़रा तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।